हेलो दोस्तों, दिस इज संजय सो और आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइन आर्ट्स गुरुजी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बनाने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और उसे कैसे बनाएंगे, सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अल्फ़ाबेट डी को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी होगा आपके लिए। अगर आप मेरे साथ नए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने डी बना लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे फिंगर बनाना, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ से हम लोगों को ले जाना और ऊपर की ओर पतला थोड़ा सा बनाना और नीचे मोटा कर देना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस फिंगर को अच्छी तरह से बना लेंगे और इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बनाने वाले हैं थंब। थंब बनाने के लिए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो डी वाले लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन है उसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, बनाने के बाद इसे छोटा सा एक फोल्ड करेंगे यहाँ से, एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग नाखून बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। और ये बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, जल्दी से जाके मेरे ढेर सारे वीडियोस को चेकआउट करो। ऐसे ढेर सारे आसान तरीके से मैंने आपको समझाया ताकि आप इसे इजीली बना सको। और अगर आपको रियली में ये वीडियोस हेल्प करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस बनाने के लिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं इस फिंगर को। इसे सिंपली हम लोग यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। ओके, तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है, हम लोग इसी को यूज़ करके तीनों फिंगर को कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ, मेरे इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब में अगर आप नए हो तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर लो यार, क्योंकि मैंने कभी आपसे बोला नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं आपका इंस्टा और फेसबुक में ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों नहीं है, तो मैंने हमेशा ये बताया कि मैंने आज तक कभी चाहा ही नहीं कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। लेकिन अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि उसमें भी मेरे फॉलोअर्स बढ़े। तो आप अगर नए हो मेरे साथ तो जल्दी से जाके यार फॉलो कर लो, और साथ साथ में आप इस इमेज को बना करके मेरे को सेंड कर सकते हो ताकि मैं आपके डायग्राम को चेकआउट कर सकूँ और साथ साथ में मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस फिंगर को बना के अब कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को जो लास्ट फिंगर है उसे बनाना है। उसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आपकी कितना ईजी है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने ये इंजॉय भी किया होगा बनाते हुए कि इतना ईजी डायग्राम है। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इरेजर की मदद से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, एंड देन आफ्टर नीट एंड क्लीन इसे बना के कंप्लीट कर देंगे। मैंने जो यहाँ पे डी लिखा है वो डार्क इसलिए लिखा था ताकि आपको नज़र आए, तो आप एग्ज़ाम में अगर बनाओगे तो वहाँ पे लाइट लिखना ताकि इरेज कर सको बहुत ईजिली। और एक नया अपडेट दोस्तों जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम में हो तो मुझे भी फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम में। वहाँ पर मैंने ढेर सारे पोस्ट, जो भी रेगुलर होगा या पता चलेगा कि ये डायग्राम आने वाला है, तो इस टाइप से हम लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर टेलीग्राम में हो तो जल्दी से मुझे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग के लिए सिंपली दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर पेंसिल को ही यूज़ करना, पेन का यूज़ मत करिएगा नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। और यहाँ पर लेबलिंग करने से पहले हम लोग एक डायरेक्शन यहाँ पर दिखा देंगे किस तरफ क्या होता है। तो ये आपको अगर याद करना है दोस्तों तो आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, फादर मदर चाइल्ड एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि आपको ये बता दूँ। और हाँ दोस्तों, इसे कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप देखेंगे मोशन, फोर्स और करेंट तीन चीज़ें होती है, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मोशन मतलब मदर, एफ मतलब फादर, फोर्स और जो सी है करंट है उसे चाइल्ड बोला जाता है। तो अगर आप इसे फाइंड आउट कर पाओ तो अच्छी तरह से फाइंड आउट करके याद कर लेना ताकि आपको डायरेक्शन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए कि कौन सा क्या होता है। सो नाउ इट्स कंप्लीटेड। अब हम लोग यहाँ पे लेवलिंग करेंगे। सो यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए डाल दिया, आप इसे अच्छी तरह से लेवल कर ले। कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करके ही जाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।